hello students how are you all i hope you all are doing good today we will study natural disasters ready steady start look at the pictures choose and write the correct names of the events in the boxes yap concepts to know earthquake volcano tsunami floods drought the events caused by the forces of nature that often adversely affect the life and the environment are called natural disasters they can happen at any time or place without a warning

ह्यूमन मेड जो हाउसेस होते हैं वो टूट जाते हैं फ्लड में बह जाते हैं ठीक है सुनामी में चले जाते हैं तो ये नेचुरली होता है लेकिन समटाइम्स ये ह्यूमंस की वजह से भी होता है जब वो नेचर को डिस्टर्ब करते हैं फॉर एग्जाम्पल कटिंग ऑफ ट्रीज ओके क्रेजी फॉर एक्टिविटी येस List out all the natural disasters that have taken place in the world after 2015. You can take help of the internet, paste the pictures, and write the following information about these disasters in your notebook name of the disaster, date, and day. टाइम, प्लेस, मैग्नीट्यूड, रीजन आप खुद से करेंगे अर्थक्वेक एंड अर्थक्वेक इज अ सडन मूवमेंट ऑफ द अर्थ कोस्ट बाय द मूवमेंट्स अंडर द अर्थ सरफेस दिस मूवमेंट्स रिलीज ग्रेट एनर्जी एंड कैन पार्ट्स ऑफ़ द अर्थ टू क्विक देखिए अर्थक्वेक क्या होता है बेटा ये मूवमेंट होती है जो ग्राउंड के अंदर से होती है प्लेट्स के मूव करने से ठीक है कुछ प्लेट्स होती हैं हैं जो ग्राउंड के अंदर होती जब वो मूव करती हैं और एक दूसरे से टकराती हैं कुछ इस तरीके से वो मूव करती हैं अगर वो एक दूसरे से टकरा जाती हैं तो उसकी वजह से अर्थक्वेक अक्कर होता है जिसे आप हिंदी में भूकंप कहते हैं ओके अर्थक्वेक में भी माइल्ड और मैसिव रिजल्टिंग इन डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑन अ लार्ज स्केल अर्थक्वेक जो है वो माइल्ड कम भी आ सकता है और मैसिव बहुत ज्यादा भी हो सकता है जिस मैसिव जो होता है उससे क्या होता है घर टूट जाते हैं ठीक है लोगों की जो जान है वो खतरे में जा सकती है उनकी डेथ हो सकती है उसकी वजह से ओके नाउ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ कोल द क्रस्ट इज मेड ऑफ लार्ज एंड स्मॉल प्लेट्स ऑफ रॉक्स विच कीप ऑन मूविंग कॉन्टिन्यूसली एंड स्लोली ईच अदर Sometimes these plates move apart, bump, overlap into each other, or slide under each other with a lot of force. The crust

Now, the point under the ground where an earthquake begins is called the focus. The point on the surface of the earth above the focus is called the epicenter. The earthquake can be weak or strong. After the first big quake, smaller quakes or tremors may occur. These are called aftershocks. They occur when the डिस रॉक्स मूव बैक टू देयर ओरिजिनल प्लेसेस और रीअलाइन देम सेल्स अर्थक्वेक्स आर मेजर यूजिंग आ इंस्ट्रूमेंट कोल्ड सी स्मो ग्राफ ओके साइड में एक पिक्चर बनी हुई है आप देख सकते हैं सबसे मिट का पार्ट है उसे फोकस बोलते हैं देन आपका आ जाता है एपी सेंटर ओके कई बार क्या होता है बेटा जब वो रॉक्स जो है वो मूव कर रहे हैं प्लेट्स मूव कर रहे हैं जब वो टकरा जाती हैं तो वाइब्रेशन होती है लेकिन उसके बाद वो अपनी जो प्लेस है जहाँ से वो मूव कर रही है उस पर वापस जाती हैं तो उसके बाद भी दोबारा से वाइब्रेशन हो सकती है बिकॉज क्योंकि वो अपनी प्लेस पे वापस जा रही है ओके नाओ अर्थक्वेक को मेजर किया जाता है एक मशीन से इंस्ट्रूमेंट से जिसका नाम है सीस्मोग्राफ ओके द स्केल इज यूज टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक इज नोन एज द रिश्चर स्केल ओके इसके थ्रू मैग्नीट्यूड जो है उसका मेजर किया जाता है जिसे हम कहते हैं रिचर्स स्केल स्केल ग्रेड्स अर्थक्वेक फ्रॉम वन टू टेन अर्थक्वेक्स ऑफ मैग्नीट्यूड वन और टू कैन हार्डली बी फेल्ट अर्थक्वेक्स ऑन अ स्केल ऑफ सिक्स टू एट कॉज मेजर डिस्ट्रक्शन ओके देखिए रिचर्स स्के जो होता है वो ग्रेड करता है अर्थक्वेक को वन से लेके टेन तक अब वन और टू के बीच का जो मैग्नीट्यूड होता है उसमें आपको अर्थक्वेक जो है वो फील भी ना हो में भी लेकिन सिक्स टू एट तक का जो मैग्नीट्यूड होता है उससे मैसिव डिस्ट्रक्शन होते हैं ओके अफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक वेन द ग्राउंड शेक्स बिल्डिंग्स ब्रिजेस एंड हाउस ऑल्सो शेक वेन द मूवमेंट लास्ट फॉर सम टाइम They cause these structures to shatter, roads to crack, and communication systems to collapse. This often leads to loss of life and property. It may lead to fire in case of damage to power lines. Earthquakes may cause landslides in the hilly regions. Okay. जब ग्राउंड आपकी मूव करती है शेक हो रही है वाइब्रेट हो रही है तो उसकी वजह से ग्राउंड के ऊपर अर्थ के ऊपर जो चीज़ें हैं, माउंटेन्स हाउसेस हिली एरियाज, जो कुछ भी है सब कुछ मूव करता है और कई बार क्या होता है हिली एरियाज जो माउंटेन्स होते हैं वो भी गिर जाते हैं टूट जाते हैं ठीक है जिसकी वजह से लाइफ एंड प्रॉपर्टी दोनों अफेक्ट होती हैं नाउ the damage caused to life and property by the earthquake depends on the place of its occurrence and the intensity when an earthquake hit a heavily populated area there is extreme damage to life and property but if it hits a sparsely populated area less damage it caused similarly a strong earthquake result in serious damage as compared to a mild earthquake okay see. डिपेंड करता है कि कौन से एरिया में कितना कोलैप्स हुआ है ठीक है अगर एक पॉपुलेटेड एरिया में अर्थक्वेक आया है तो वहां की लाइफ एंड प्रॉपर्टी जो है मैसिव अमाउंट में डिस्ट्रक्ट होती है लेकिन अगर एक नॉर्मल एरिया वो एरिया जो कि स्पार्सली पॉपुलेटेड है वहां पे अर्थक्वेक आया है तो वो इतनी अफेक्ट नहीं होती है ठीक है प्रिकॉशंस ट्यूरिंग एन अर्थक्वेक इफ यू आर कोर्ट इन अर्थक्वेक फॉलो द गि स्टेप्स एंड प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगर अर्थक्वेक आया है आपके एरिया में तो आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं खुद को बचाने के लिए जैसे कि कीप अवे फ्रॉम टॉल एंड हैवी ऑब्जेक्ट दैट में फॉल ऑन यू एंड इंजरी यू टेक शेल्टर अंडर अ स्ट्रोंग टेबल और अ कोट एंड स्टे देयर टिल द शेकिंग स्टॉप्स If you are in bed, do not get up. Protect your head with a pillow. Do not stand near glass windows and doors. The broken glass pieces can cause several injuries or even death. If you are inside a car or bus, stay there until the shaking stops. Be sure that the vehicle is not near a electric pole or a toll building. Okay. आपको ये ध्यान रखना है अर्थक्वेक के टाइम पे आप किसी टोल या फिर हैवी ऑब्जेक्ट के आसपास नहीं है वो आपके ऊपर गिर सकता है ठीक है आपको शेल्टर लेना है किसी एक स्ट्रॉन्ग टेबल कोट कोट यानी कि चारपाई के नीचे ठीक है उसके नीचे ताकि आपने को प्रोटेक्ट कर अपने ठीक है आपको खड़े नहीं होना है वो आपको इंजरी कर सकती है आपकी डेथ भी हो सकती है उसकी वजह से अगर आप कार या बस में हैं तो आपको वेट करना है अर्थ की शेकिंग रुकने के लिए ओके बेटा नाउ रिसर्च स्किल्स फर्स्ट सीस्मोग्राफ वॉज मेड इन चाइना जो पहला वो चाइना में बना था ओके इफ यू आर आउटडोर मूव टू एन ओपन एरिया अवे फ्रॉम बिल्डिंग्स ट्रीज पावर लाइन एंड इलेक्ट्रिक पोल्स विच कुड फोल्ड डाउन बिल्डिंग शुड बी एंजीनियर्ड इन सच अवे दैट दे आर अर्थक्विक सेफ ओके अगर आप बाहर हैं तो आप खुले एरिया में आ जाए बिल्डिंग्स ट्रीज ऐसे एरिया से दूर ठीक है जहाँ पे बिल्डिंग्स ट्रीज वगैरह ना हो ज़्यादा और बिल्डिंग्स जो है वो इस तरीके से बिल्ट की जानी चाहिए कि अर्थक्विक सेफ हो ओके लैंड स्लाइड दी स्लाइडिंग ऑफ अ लार्ज मास ऑफ रॉक मटीरियल एंड सॉइल डाउन द स्लाइड ऑफ अ माउंटेन और क्लिफ इज नोन एज अ लैंड स्लाइड लैंड स्लाइड केन अकर ड्यू टू वेरियस रीजन इंक्लूडिंग हैवी रेनफॉल अर्थक्वेक्स वॉलकैनिक एक्टिविटी ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक कंस्ट्रक्शन डिफोरेस्ट्रेशन एंड चेंजेस इन वाटर लेवल्स ओके लैंड स्लाइड क्या होती है बेटा लैंड स्लाइड में एक लार्ज मैसिव पार्ट जो होता है आपके हिले एरिया का वो स्लाइड कर जाता है गिर जाता है ठीक है उससे जो रॉक मटीरियल होते हैं सब नीचे की तरफ आ जाते हैं तो वो जो आपका माउंटेनियस एरिया है वो डिस्ट्रक्ट हो जाता है एक तरीके से ये कब होता है जब हैवी रेनफॉल होती है अर्थक्वेक आता है एक्टिविटी होती है या फिर ह्यूमन एक्टिविटी जैसे कि कंस्ट्रक्शन डिफोरेस्ट्रेशन ओके ना वोलैनो वॉल केनो इज अ क्रैक और एन ओपनिंग इन द अर्थ क्रॉस थ्रू विच हॉट गैस एंड मोल्टन रॉकस केम आउट ऑफ द अर्थ मोल्टन रॉक और मिनरल आर कोल्ड मैगमा इज एक्सपेल्ड ड्यूरिंग द इप्शन फ्रॉम द कोनशिप माउंटेन थ्रू अ वैंड मैग्मा मोल्टन रॉक कलेक्ट इन द आउटर लेयर ऑफ द मैंटल इन लार्ज एरिया कोल्ड मैग्मा चैम्बर्स ओके वोल्ड कैनो क्या होता है बेटा एक तरीके से यह अर्थ का जो क्रस्ट है उसमें से हीट ठीक है हीट निकल के आती है उसे हम वॉल्केनो एरपन कहते हैं जब वो आती है बाहर की तरफ उसे हम मैग्मा कहते हैं ठीक है अब मैग्मा जो है जब बाहर की तरफ आता है तो उसे हम बोलते हैं मोल्टन रॉक्स जब वो मेल्ट डाउन हो जाता है और ठंडा पड़ जाता है तो वो रॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है ठीक है वॉलैनोज यूजली फॉर्म ओवर मैग्मा चैम्बर्स Extreme pressure created in these chambers pushes up the magma. The magma rushes upwards through a pipe-like outlet called vent and flows out. After the eruption stops, a bowl-shaped opening called a crater is formed at the top of the volcano. The vent lies at the bottom of the crater. When magma reaches the surface of the earth, it is called the lava. The lava flows out and spread over a nearby. लैंड कॉजिंग हैवी डिस्ट्रक्शन वैन इट कूल्स डाउन इट फॉर्म्स डिफरेंट इग्नियस रॉक्स हाउ एवर इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम ऑफ फोर लावा टू कूल डाउन सम वर्ल्ड कैनोज एडप्ट अंडर द ओशन ऑल्सो ओके देखें देखिए वॉलैनोज कैसे दिखते हैं आप पिक्चर में देख सकते हैं ठीक है अब जब इरप्ट होते हैं उनके अंदर से मैग्मा निकल के आता है जब वो बाहर की तरफ आता है तो उसे हम लावा बोलते हैं इसकी वजह से क्या होती है जो आसपास का एरिया है वो डिस्ट्रप्ट हो जाता है ठीक है लावा जो है बहुत ज्यादा टाइम लेता है कूल डाउन होने के लिए लेकिन जब वो कूल डाउन हो जाता है तो हमने रॉक्स के बारे में पढ़ा है ना तो इग्नियस रॉक बनता है वो ठीक है अब जो वॉल्केनोज है अंडर वाटर भी इरप्ट होते हैं ठीक है बेस्ड ऑन देयर फ्रीक्वेंसी ऑफ इरप्शन वॉल्नोज आर ऑफ थ्री टाइप्स एक्टिव डोरमेंट एंड एक्सटिंक्ट ओके इरप्शन के बेसिस पे देखा जाए तो जो वॉल्केनोज होते हैं वो थ्री टाइप्स के होते हैं पहला है आपका एक्टिव फिर दूसरा है डोरमेंट एंड थर्ड है आपका एक्सटिंक्ट एक्टिव वॉल्केनोज

उन्हें हम कहते हैं एक्टिव ठीक है इसके एग्जाम्पल्स हैं माउंट फूजी और माउंट वर्सुवियस ठीक है नाओ सिंथेसाइजिंग इंफॉर्मेशन बैरन आइलैंड इन द अंडमान सी इज द ओनली कन्फर्म्ड एक्टिव वॉल्केनो इन साउथ एशिया द वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्टिव वॉल्केनो इज़ मोना लाओ इन हवाई ओके देखिए बैरन आइलैंड जो कि अंडमान सी में है वो साउथ एशिया का एक्टिव वॉल्केनो माना जाता है वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो है एक्टिव उसका नाम है मोनालोआ जो कि हवाई में है ठीक है डोरमेंट वॉल्केनोज डोरमेंट वॉल्केनो आर द हैव इरप्टेड लॉन्ग अगो इन द पास्ट बट आर नाउ क्वाइट एंड मे इरप्ट इन द फ्यूचर नारकोन डैम एंड अंडमान आइलैंड एंड माउंट किली मंजारो इन तंजानिया ओके डोरमांट वॉलोस जो है ये पास्ट में कभी इरप्ट हुए थे और अभी ये शांत है फ्यूचर में ये कभी भी इरप्ट हो सकते हैं इसके एग्जाम्पल्स हैं नारकोनडाम और माउंट किली मंजारो जनरल अवेयरनेस वॉलकैनोलॉजिस्ट अंटिस्ट और स्टडीज वॉलोज वो साइंटिस्ट जो कि वोल्केनोस की स्टडी करते हैं उन्हें कहते हैं वोल्केनोलोजिस्ट ओके नाउ एक्सटेंट वोल्केनोस द वोल्केनोस दैट हैव स्टॉप्ड इरप्टिंग आर कॉल्ड एक्सटेंट वोल्केनोस दीस आर अनलाइकली टू इरप्ट अगेन ज़ोइदवॉल वोल्केनो इन द नीदरलैंड्स इज एन एक्सटिंक्ट वोल्केनो ओके एक्सटिंक्ट वोल्केनोस वो होते हैं जो कि अब इरप्ट होना स्टॉप हो चुके हैं और शायद फ्यूचर में कभी इरप्ट होंगे भी नहीं ठीक है इसके एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं जोइवाल वॉल के नो ओके वॉलैनिकरप्शन लीड्स टू लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी रेस्पिरेटरी डिजीज बिकॉज ऑफ द रिलीज ऑफ पॉइजनस गैसेज एंड डस्ट इन द नियर बाई एरियाज डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट इन द नियर बाय एरियाज ओके वॉलैनिक इरप्शन से क्या होता है बेटा लॉस ऑफ प्रॉपर्टी एंड लाइफ ठीक है और रेस्पिरेटरी डिजीज हो सकती है क्योंकि ये पॉइजनस गैसेज रिलीज करते हैं आस पास के जो एरियाज़ हैं उसकी जो ट्रीज हैं वो सब डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं डिस्ट्रॉय हो जाते हैं ओके okay? इरप्टिंग वॉलोज कैन कोज सुनामी अर्थक्वेक्स एंड एवेलेंसेज ओके देखिए जो वॉल्केनोज इरप्ट होते हैं उसकी वजह से अर्थक्वेक आ सकता है सुनामी आ सकती है एवेलेंसेज आ सकते हैं वॉलोज हैव मैनी एडवांटेज टू द सॉयल फॉर्म्ड फ्रॉम द वॉलनिक रॉक इज रिच इन पोटाशियम एंड वेरी फर्टाइल This is the reason why millions of people live close to volcanoes. Besides, volcanoes are also a great tourist attraction. Okay, देखिए इसकी advantages है जैसे कि जो soil है ठीक है volcanic rock के through जो soil form होती है उसमें potassium ज़्यादा होता है जिसकी वजह से सॉइल जो है वो फर्टाइल होती है ये एक रीज़न है कि बहुत सारे लोग इसके आसपास रहते हैं जनरल अवेयरनेस देयर आर मोर देन 1500 हंड्रेड एक्टिव वॉलोज ऑन द अर्थ सम ऑफ द फेमस वॉलोज आर माउंट फूजी माउंट सेंट हेलेंस एंड माउंट एटना देखिए 1500 से ज्यादा एक्टिव वॉलनोज हैं अर्थ पे जिनका नाम यहाँ पे दिया गया है माउंट फूजी माउंट सेंट हेलेंस एंड माउंट एटना crazy for activity yes make a volcano with the help of your teacher in science lab take 50 milliliter vinegar in a container and add red flood color to it take a plastic bottle and fill half of it with sodium bicarbonate Put this bottle on the table, make the mountain of mud around it, leaving its mouth uncovered. Put the red vinegar into the bottle containing sodium bicarbonate. You will observe the bubbles of carbon dioxide gas causing something like a volcanic eruption. Yep, khud se karenge. Tsunami A tsunami is a series of huge waves caused by the underwater earthquake or a volcanic eruption. सुनामी इज अ जैपेनिज वर्ड विच मीन्स हार्बर वेव इट इज समाइम्स मिसअंडरस्टूड एज टाइडल वेव्स बट इट इज नॉट ओके सुनामी क्या होता है बेटा सुनामी जो है वह अक्कर होता है अंडर वाटर अंडर वाटर अगर अर्थक्वेक आ, आ रहा है या फिर वॉल्कैनिक इरप्शन हुआ है उसकी वजह से सुनामी आता है सुनामी क्या होता है एक तरीके से वेव्स होती हैं जो कि सर्क्युलर फॉर्म में आती हैं स्पीड से ठीक है अब होती ये दिखती टाइडल वेव्स की तरह होती हैं बट ये होती नहीं है टाइडल वेव्स ओके द वेव्स फॉर्म ड्यूरिंग सुनामी ट्रैवल इन ऑल डायरेक्शन फ्रॉम द एरिया ऑफ डिस्टरबेंस दीस वेव्स कैन ट्रैवल एट अ स्पीड ऑफ अबाउट 800 टू 900 किलोमीटर ओके okay? ये जो सुनामी की वेव्स होती हैं ये जितना भी एरिया है उस पूरे एरिया को डिस्ट्रक्ट कर सकती हैं इजीली इनकी स्पीड जो होती है 800 टू 900 किलोमीटर पर आर पे होती है ओके एंड कैन बी High thirty meters near a shore, they lash on the shore with the force strong enough to wipe off towns and cities. There is no advance warning of their arrival. On December twenty six two thousand four, coastal region of Tamil Nadu and Kerala was struck by a large tsunami that destroyed many lives and property. In March two thousand eleven, Japan was struck by a massive tsunami that killed more than fifteen thousand people. Okay. सुनामी जो होती है ये कभी भी हमें नहीं पता होता कि कब आने वाली है कभी भी आ सकती है क्योंकि ये नेचुरल कैलेमिटी है ठीक है अब यहाँ पे तमिलनाडु में और केरला में ऑन ट्वेंटी दिसंबर 2004 फोर में सुनामी आई थी और यहाँ पे बताया गया है जापान में आई थी मार्च 2011 में ओके और उस सुनामी में 15,000 पीपल की डेथ हुई थी एट मेनी प्लेसेस सुनामी वार्निंग सेंटर्स helps पीपल इन many lives. ओके okay. काफी सारे ऐसे प्लेसिज हैं जहां पे सुनामी वार्मिंग वार्निंग सेंटर्स बनाए गए हैं जो कि जितने भी लोग कोस्टल एरियाज पे रह रहे हैं उन लोगों को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया जाता है इसकी वजह से क्या होता है काफी सारी लाइव बच जाती हैं ओके okay. फ्लड्स floods can happen suddenly or periodically they have rainfall caused by the rivers and oceans to overflow the banks sudden floods occur due to the obstruction of the river path or damage to a dam or a water reservoir okay फ्लड्स सडनली होते हैं पीरियोडिकली होते हैं फ्लड्स आ सकते हैं हैवी रेनफॉल की वजह से डैमेज uh, हुआ है आपके डैम्स में रिवर डैम्स में अगर डैमेज हुआ है तो उस वजह से भी फ्लड्स आ सकते हैं वाटर बिकम्स स्टेगनेंट विच कॉज हजार्स ऑफ मलेरिया एंड अदर वाटर बॉर्न डिजीज फ्लड्स कॉज डैमेज टू प्रॉपर्टी एंड लाइफ फ्लड्स ऑल्सो कॉज सॉयल इरोजन डैमेजिंग ऑफ सॉइल फॉर कल्टिवेशन ओके फ्लड की वजह से क्या होता है क्योंकि पानी जमा हो जाता है हर जगह तो जो मॉस्किटोज जो बर्थ लेते हैं मलेरिया वाले वो वाटर से ही लेते हैं ठीक है उसकी वजह से डिजीजेज uh, वाले मॉस्किटोज है वो बर्थ लेते हैं फ्लड की वजह से प्रॉपर्टी और लाइफ जो है वो डैमेज होती है सॉइल इरोजन होता है कल्टिवेटेड लैंड्स हैं वो खराब होती हैं ड्रॉट अ प्लेस इज सेट टू बी अफेक्टेड बाय ड्रॉट व्हेन इट रिसीव्स नो रेनफॉल फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम और इवन ईयर्स Drought causes hot and dry winds with an increase in temperature and food and water scarcity. Eastern and southern Maharashtra, along with northern Karnataka, Andhra Pradesh, Odisha, Gujarat, Telangana, and Rajasthan, are drought-prone regions of India. During this period, the crops fail and domestic animals starve. जनरलेशन ऑफ दंग प्लेस जहाँ पे सालों से बारिश नहीं हुई है उस एरिया में ड्रॉट आ जाता है मतलब कि सूखा पड़ जाता है इंडिया में काफी सारे ऐसे प्लेस है जो की ड्रॉट प्रोन एरियाज हैं उनका नाम है कर्नाटका आंध्र प्रदेश उड़ीसा गुजरात तेलंगाना राजस्थान ठीक है अब इसकी वजह से क्या होता है जो एनिमल्स हैं वो स्टाफ करते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स उनको प्रॉपर पानी नहीं मिल पाता है फूड नहीं मिल पाता है ह्यूमन बींग्स है उनकी डेथ हो जाती है हंगर से पोवर्टी से ओके रीड एट अ ग्लैंस डिज़ास्टर्स कोज लॉस ऑफ लाइफ एंड पोवर्टी नेचुरल डिजास्टर हैपन एट एनी टाइम और प्लेस विदाउट अ वार्निंग दे आर कोज टू ड्यू मूवमेंट्स विद इन द अर्थ earthquake can be mild and massive and result in destruction of life and property on a large scale tsunami develops because of an earthquake or a volcanic eruption under the sea volcano is the opening on the earth crust through which molten rocks ashes and hot gases can escape from below the surface of the earth magma is expelled during an eruption from a cone shaped mountain through a event drought results in crop failure starvation and loss of life and property key terms to know natural disasters events caused by the forces of nature that affect life and environment earthquake sudden movement and disturbance in the earth's surface vent a pipe like outlet through which magma rushes upwards Crater, a bowl-shaped opening at the top of the volcano. Lava, magma that reaches the surface of the Earth. Volcano, crack or opening on the Earth's crust through which hot gases and molten rocks came out. Active volcanoes, volcanoes that have erupted recently and can erupt any time. Dormant volcanoes, volcanoes that have erupted in past but are now quiet and may erupt in future.